हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विंग्स ऑफ गर्ल्स। सो मैं हूँ स्वाति। तो आज मैंने एक आई मेकअप लुक यहाँ पर क्रिएट किया है। फेस्टिव सीजन आने वाला है तो मैंने सोचा कि आपके साथ इस तरीके के आई मेकअप शेयर करूँ, जिससे कि आपको लास्ट मिनट में करने में इनको दिक्कत ना हो। तो किस तरीके का आई मेकअप है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये वाला जो आई मेकअप है तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये ट्रांजिशन शेड ले रही हूँ, एंड इससे हम क्रीज लाइन क्रिएट करेंगे। तो मैं अपनी फिंगर से ही कर ले रही हूँ। एंड इसके बाद ये यहाँ पर डार्क ग्रीन शेड है, तो इससे हम आउटर वी की तरफ यहाँ पर इसको अप्लाई कर लेंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। तो दोनों आँखों में अच्छे से अप्लाई करने के बाद यहाँ पर ये डार्क येलो शेड है, तो इसको मस्टर्ड येलो शेड है तो इसको मैं ले रही हूँ। एंड इसके साथ ही हम इसको अप्लाई कर लेंगे अच्छे से, तो इनर कॉर्नर से और जहाँ तक हमने ग्रीन कलर अप्लाई किया वहाँ तक इसको हम अच्छे से अप्लाई कर ले रहे हैं। तो दोनों आँखों में अच्छे से अप्लाई हो गया है। इसके बाद यहाँ पर हम ये हल्का सा शिमर गोल्डन शेड है तो इसको लेकर, और जहाँ पर हमने येलो कलर अप्लाई किया है उसी के जस्ट ऊपर हमें इसको अप्लाई करके और अच्छे से ब्लेंड कर देना है। तो यहाँ पर जो हमने येलो कलर अप्लाई किया था वो थोड़ा सा फेड हो गया है, तो जस्ट इसी गोल्डन के ऊपर हम जो अपना येलो कलर है वो दोबारा से अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। तो ये यहाँ पर आई शेडो काफ़ी अच्छे से हमने अप्लाई कर लिया है। इसके बाद हम ये गोल्डन कलर ले रहे हैं और इससे हम हाईलाइट करेंगे अपनी ब्रो बोन को। थोड़ा सा इनर कॉर्नर्स को, एंड इट्स डन। इसके बाद मैंने आईब्रोज को ऑलरेडी फिल किया हुआ था, तो बस एक बार मैं आपको इस तरीके से दिखा रही हूँ। आईब्रोज फिल कर लेंगे, काजल लगाएंगे, तो काजल भी मैंने ऑलरेडी लगा लिया। इसका हम कोई भी लाइनर, तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक ब्लू लाइनर चूज कर रही हूँ, तो इसको अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट आई मेकअप लुक है, और यहाँ पर मैंने मस्कारा एंड काजल सब अप्लाई कर लिया है। उसके बाद ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक ब्लू लाइनर लगाया है। आप यहाँ पर ब्लैक लाइनर का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड कैसा लगा आपको ये क्विक एंड फास्ट आई मेकअप, तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।